जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ तुर्कों की तारीख का एक ऐसा गौहर नायाब जिसने अपने आबा व अजदाद का मान रखा, जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। मैं चाबदार कबीले के सरदार जानदार का फर्ज है, नाम है अलियार। जो कभी अदल इंसाफ और जुर्रत व बहादुरी से पीछे नहीं हटा, न कभी दुश्मन को भागने दिया और न ही कभी दुश्मनी में तजावुज किया। इस मुश्किल में हमारी मदद फरमा यार, याद था इस मुश्किल को रोकने में मेरी मदद फरमा। मुझे हजरत अली करमुल्ला वजह जैसी ताकत और इस्तेकामत अता फरमा ताकि इस फितने को फैलने से रोक सकूं। अपनी जान से बढ़कर अपने कबीले की हिफाजत की, उसने कभी अपने कबीले को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। अपने ही लोगों की गद्दारी और मुश्किल तरीन हालात भी वो रस्ते से ना हटा सके। कभी अल्लाह के अदल इंसाफ से पीछे नहीं हटा, हमेशा अल्लाह की रजा पर सरे तस्लीम खम रखा। उस मर्द मुजाहिद के सामने जालिम का जुल्म हार गया और इस्लाम दुश्मन ताकतें पसपा हो गई। उसने अर्थरुल बे का मान और एतबार कायम रखा। बहुत शुक्रिया अर्थरुल भाई, उनकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई, असलेहान और मैं पूरी मदद करेंगे आपकी। जो कभी अदल इंसाफी से पीछे नहीं हटा, आप हाथ नहीं उठा सकते। अलियार हाथ छोड़ो मेरा, कहीं तुम पर न उठ जाए। गुस्सा मुझे मारकर कम होगा, तो उठाइए हाथ। मोमिन वही होता है जो नाकामी पर गमगीन न हो और ना ही जीत पर गुरूर करे। मोमिन हमेशा तकवा का रास्ता इख्तियार करता है, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये दुनिया फानी है और मौत पर हक है। मैं जाने वालों के कारवां में शामिल हो गया, मेरा बाग बंद हुआ, लेकिन मैं हर फिक्र से आजाद रुखसत हो रहा हूं। गुलाम अपने वक्त पर ही खिलते हैं, सूरज तुलू होता है, खजा के बाद
बाहर आ जाती है जिस रब ने तुम्हारे दिल में फतह का अलाव जलाया है वही तुम्हें फतायाब करेगा।